शुक्रवार को थोड़ा सा साबूदाना रखें इस जगह, नोटों की गड्डियां तिजोरियों में भर जाएगी। पैसे का ऐसा सैलाब आपके ज़िंदगी में उमड़ घुमड़ कर आएगा कि आप दंग रह जाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। शुक्र देव धन संपदा देने वाले दैत्य हैं, दैत्य गुरु हैं और आपको मनमाना पैसा दे सकते हैं अगर आपका शुक्र अच्छी कंडीशन में हो। वैसे शुक्र अगर लग्नेश है तो भी जातक के ज़िंदगी में पैसा आता ही आता है। वृषभ और तुला लग्न वालों को ज़िंदगी में पैसे की कमी कभी महसूस नहीं होती है। तो लेकिन जिंदगी जिनकी कुंडली में शुक्र योग कारक होता है यानी मकर लग्न या कुंभ लग्न, वो भी धन से सराबोर रहते हैं ताउम्र। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। शुक्रदेव के उपाय भी बताएंगे, शुक्र को अच्छा करने के उपाय बताएंगे। लेकिन आपको ये साबूदाना है ना, सफ़ेद चीज़ों पे शुक्र का वास है, हम आपको कई बार बता चुके हैं। खुशबूदार चीज़ों में शुक्र का वास है और आपको कुछ ऐसी चमत्कारिक चीज़ों के बारे में भी बता चुके हैं, जैसे आलू, ज्वार, ये स्वतः जागृत वस्तुएं होती हैं जिनको आप किसी भी जगह पे रख देते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। अगर आपके पास साबूदाना नहीं हो तो आप चावल भी ले सकते हैं, अगर आप आलू भी ले सकते हैं तब भी आपको फ़ायदा होगा। ज्वार के कुछ दाने भी लेकर ये टोटका कर सकते हैं, इससे भी आपको धन लाभ होगा। और शुक्र की कारक चीज़ों में है, कई बार ऐसा होता है शुक्र निर्बल हो जाता है तो ऐसे संगति में पड़ जाता है, वो अपने सौंदर्य को निर्बल कर देता है, जीवन में हर्ष उल्लास का अभाव हो जाता है, धन ऐश्वर्य से हीन हो जाता है ऐसा व्यक्ति, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसको इसका कारण यह है कि शुक्राणु कमज़ोर होते हैं ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में वाहन सुख भी नहीं होता है, कला प्रियता भी नहीं होती है, बुद्धि कुबुद्धि बन जाती है। ऐसे में शुक्र का उपाय करना आवश्यक होता है। ऐसे व्यक्ति स्त्रियों से घृणा करते हैं, स्त्रियों का को नरक का द्वार मानकर स्त्रियों से अनाप शनाप बकते हैं, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, यह पीड़ित शुक्र की निशानी होती है। तो आपको चाहिए कि शुक्र को अच्छा करने के उपाय में प्रथम है स्त्रियों का सम्मान करना चालू कर दीजिए, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। घर को गंदा अव्यवस्थित ना रखें, इससे भी शुक्र पीड़ित होता है। हमेशा वार्डरोब को करीने से रखें, कपड़ों को तह करके रखें, घर में साफ़ सफाई रखें, इससे भी शुक्र अच्छा होता है। अगर आपके पास मखाने हैं तो मखाने का टोटका भी कर सकते हैं, अगर आपके पास लहसुन है तो आप वह भी रख सकते हैं। कोई भी पदार्थ आप एक मुट्ठी ले सकते हैं, आलू हैं छोटे तो 6 की संख्या में ले सकते हैं, आपको लाभ होगा। मतलब अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करिए और जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ में लीजिए। अक्सर ऐसी चीज़ें घर में पड़ी ही रहती हैं तो आपके घर में कोई भी चीज़ सफ़ेद हो, या आलू तो ब्राउन होता है, कवर उसका ब्राउन होता है, मतलब ब्राउन से हल्का होता, कैमल कलर होता है, लेकिन आलू अंदर से सफ़ेद होता है, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो अग्नि कोण होता है ना, साउथ ईस्ट दिशा, साउथ ईस्ट दिशा में अगर आप बास्केट में, सफ़ेद बास्केट होनी ज़रूरी है, या सफ़ेद रुमाल में ये पदार्थ रखकर ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करते हैं और लक्ष्मी मंत्र का जाप करते हैं तो आपको अत्यंत फ़ायदा मिलता है। ये आपको जाप करना है स्नान करने के पश्चात, और नंगे पैर नहीं घूमना है घर में, चप्पल पहन के घूमना है, परफ्यूम का प्रयोग करना है और स्फटिक की माला से आप ये मंत्र जपते हैं, या कमल गट्टे की माला से ये मंत्र जपते हैं ओम शुम शुक्राय नमः, तब आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। खाने में गाय के घी का प्रयोग करें, शुद्ध घी का प्रयोग करें तो आपका शुक्र उन्नत होता है। सफ़ेद मक्खन का प्रयोग भी आपको लाभ दे सकता है, इसके सेवन से शुक्र बलि बनता है। अगर आप मलाई का नित्य सेवन करते हैं, जावित्री आप भोज्य सामग्री में डालकर यूज़ में लेते हैं तो आपको अत्यंत फ़ायदा मिलता है। मिश्री का जितना अधिक सेवन आप करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। दही का सेवन करें, ये इससे भी आपका शुक्र स्ट्रांग होता है। और भिंडी का, आप भिंडी हरी होती है लेकिन भिंडी भी शुक्र के चीज़ों में आती है, तो भिंडी को जितना ज़्यादा यूज़ में आप लेंगे
उतना ही ज़्यादा आपको फल मिलेगा। और स्वच्छ रहें, अपना चरित्र स्ट्रांग करें तो आपको लाभ मिलता है।